माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्या आप सेल्समैन को पसंद करते हो? क्या आप सेल्समैन को पसंद करते हो? नहीं, एज ए सेल्समैन आप एक सेल्समैन को ही पसंद नहीं करते हो, तो कैसे आपका सक्सेस आएगा? आज आपका होमवर्क है, क्यों आपको सेल्समैन पसंद नहीं होता है उसका 5 कारण आप खुद ही लिखिए और उसको देखिए। जो 5 रीजन आप लिखते हो उसमें कौन सा गुण आपका अंदर चला आया, मतलब आप भी वही सेल्समैन बन के बैठे हो। आप अगर वही तरीके से सेल्समैनशिप करते जाओगे तो आपका सक्सेस कैसे आएगा? मान लीजिए एक पोस्टमैन पूरा दिन में कितना चिट्ठी बांटता है, सबके घर में जाता है, चिट्ठी देकर चला आता है, और एक काम वो लास्ट 10 साल से कर रहा है। अगर उसको बोला जाएगा कि तुम एक चिट्ठी लिखो और तुम्हारा गर्लफ्रेंड को देकर आओ, क्या वो देकर आ पाएगा? उसका हाथ कांपेगा, उसका पैर हिलेगा, उसको डर हो जाएगा, उसको डर लगेगा। सपोज एक डॉक्टर जो 10 साल से ऑपरेशन कर रहा है, वो कितने सारे लोगों को ऑपरेशन किया, 1, 2, 3, मतलब पूरा दिन में मान लीजिए 5-6 ऑपरेशन करता है। 10 साल के बाद एक दिन ऐसा सिचुएशन आया, उसका खुद का जो बेटी है उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका तबीयत ऐसे कुछ खराब है, क्या वो ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं। क्यों? 10 साल से ऑपरेशन कर रहा था, लेकिन जब खुद का बेटी की बारी आई तो वो नहीं कर पा रहा है, उसको डर लग रहा है, उसको लग रहा है अगर इस ऑपरेशन में सक्सेसफुल नहीं होगा तो। जब वो ऑपरेशन करते थे तो अब उसको लग रहा था ये मेरा पेशेंट है, मरीज है, लेकिन आज उसको नहीं लग रहा है वो उसका मरीज है, वो लग रहा है उसका रिश्ता है। अगर सचिन तेंदुलकर को बोला जाएगा आज तुमको जीतना ही पड़ेगा हर हालत में, क्या वो जीत पाएगा? क्वेश्चन है। अगर उसको बोला जाएगा तुमको खेलना पड़ेगा अच्छा तरीके से, अगर अच्छा तरीके से वो खेलेगा तो जीत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ये जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पहले से अगर किसी को एजेंडा पता है तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था उसको एजेंडा पता नहीं था, उसको मन में फील था मेरे को ऑपरेशन सक्सेस करना पड़ेगा, मेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा ठीक से। हो सकता है कभी कभी पेशेंट ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, हो सकता है कभी कभी पेशेंट का जो ऑपरेशन वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसका मन में अगर ऐसी फीलिंग रहेगा मेरे को हर हालत में करना पड़ेगा इस ऑपरेशन, तो वो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपका दोस्त आपको बोला उसका जो गर्लफ्रेंड है उसको आपके तरफ से उसको ऑफर करना पड़ेगा, मतलब क्या है, आपका जो दोस्त है वो डर रहा है, वो आपको बोला उसका जो चिट्ठी है, उसका जो प्रपोजल है, उसका जो ऑफर है, वो आपको उसका जो गर्लफ्रेंड है उसको देना होगा, तो आप चला जाएंगे, क्योंकि आपको क्या लगेगा, भाई मेरा क्या, मैं तो मेरा दोस्त के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन वही काम अगर आपको बोला जाएगा आपको खुद करना पड़ेगा आपका गर्लफ्रेंड के लिए, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। देखो काम सही एक ही है, लेकिन आप जब सिचुएशन बदल जा रहा है तब आप नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं बदल, क्यों काम नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं काम कर पा रहे हो? ओनली बिकॉज ऑफ दैट आपका मन में पहले से एजेंडा पता चल गया। अगर किसी का मन में एजेंडा रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो, मतलब क्या, आप ऑफर कर रहे हो, वो ऑफर एक्सेप्ट करना ना करना उसका ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर पहले से सोच लोगे जो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये ऑफर नहीं, ये हो जाता है एजेंडा। अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हो, किसी को कुछ सेल कर रहे हो, अगर मन में लगेगा उसको इसको लेना ही पड़ेगा, तो ये ऑफर नहीं है, एजेंडा। अगर एजेंडा जब हो जाएगा तब सक्सेसफुल होने का चांस बहुत कम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस सेल्समैनशिप से बाहर आना पड़ेगा, आपको अनसेल्समैन होना पड़ेगा, क्योंकि आपका चाल ढाल, आपका बोल वचन सब कुछ सेल्समैन का तरफ हो गया, तो इसीलिए लोग आपको लेने के लिए इनकार कर रहा है, लोग आपको सुनने के लिए इनकार कर रहा है। क्योंकि सेल्समैन का क्या होता है, सेल्समैन बकबक 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 करता है, सेल्समैन हर हालत में कोशिश करता है उसको सेल्स करने के लिए, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता है कस्टमर का, क्योंकि उसका मन में एजेंडा है, मेरे को सेल करना ही पड़ेगा, सेल करना ही पड़ेगा। हाँ, सेल जरूर करना पड़ेगा, लेकिन एजेंडा लेकर अगर करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि हर एक कस्टमर का हर एक रुचि है, उसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो सकता है, तो वो क्वेश्चन को सुनो, उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, क्या उसका डिजायर है, उसके बारे में आप जानो,
अगर जानने के बाद उसी हिसाब से अगर उसको कुछ बोलोगे तो क्या होगा, वो सेल्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मन में अगर एजेंडा लेकर काम करोगे तो सेल्स कभी भी नहीं होगा। तो ये जो हरकत है सेल्समैनशिप का, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप आज देख रहे हो, इसके बारे में आप खुद चर्चा करो, क्या आप सेल्समैन तो नहीं हो? अगर सेल्समैन हो तो कौन सा चीज़, ऐसा ऐसा चीज़ आपको बदलना पड़ेगा, वो काल से आप कोशिश करो एक एक चीज़ बदलने के लिए। क्योंकि एक आदमी के साथ दोस्त हो सकता है, लेकिन एक आदमी दोस्त होकर अगर किसी को कुछ बोलेगा तो सुनने के लिए तैयार है। अगर एक आदमी दूसरे आदमी को एज ए दोस्त मानकर कुछ बोलेगा, ऑफर करेगा, तो वो सुन सकता है। अगर कोई उसको जबरदस्ती करेगा तो सेल्स नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको नॉर्मल से एक आदमी बनकर आपको सेल्स को करना पड़ेगा। तब क्या होगा, आपका सेल्स 100% आपको रिजल्ट देगा और आप जो चाहते हो वो पूरा भी हो सकता है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा।